दारिद्राच्या उन्हात शिजला, निढराच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग बहुत ध्यान से बजट के भाषण को सुन रहे थे। आशा यह थी कि सांगली को इस बजट में कुछ हासिल हो, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सांगली तो दूर, लगभग डेढ़ घंटे के भाषण में एक बार भी मेरे राज्य महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। असम और बिहार के नदियों में आने वाली बाढ़ की बात की गई, लेकिन महाराष्ट्र में भी बाढ़ आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ और उससे होने वाली जान और माल के नुकसान की हानि की बात अर्थमंत्री जी ने नहीं की। आंध्र के अमरावती की बात की गई, उनको हजारों करोड़ रुपए का फंड दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में भी अमरावती आती है, उसका जिक्र न किया गया। सांगली जो हमारा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वो भी चाहता है कि स्मार्ट सिटी में उसका समाविष्ट हो, उसका ना स्मार्ट सिटी में समाविष्ट हुआ, न वहां हवाई अड्डे के लिए कोई निधि दिया गया। बिहार के सिंचाई योजनाओं के लिए AIBP और PMKSY से निधि देने की बात की गई, लेकिन मेरे महाराष्ट्र में, मेरे सांगली में विस्तारित महिषाड़ और विस्तारित टेम्बू प्रकल्पों के लिए AIBP से निधि देने के लिए अर्थ मंत्री को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। महोदय, भारत के टैक्स का 37% हिस्सा ये महाराष्ट्र से आता है। भारत की GDP का 14% हिस्सा यह महाराष्ट्र देता है। सरकार का लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अगर भारत का महाराष्ट्र से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना बने तो यह 5 ट्रिलियन मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के विकास के बिना इस भारत राष्ट्र का विकास होना नामुमकिन है। मैं महाराष्ट्र के एक स्टेट एंथम, जो हमारा राज्य गान है, उससे एक लाइन आपको बताता हूं। दारिद्राच्या उन्हात शिजला, निढराच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा। इतिहास गवाह है सर कि दिल्ली का तख्त सलामत रखे की जिम्मेदारी महाराष्ट्र लेता था, लेता है और लेता रहेगा, फिर चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो या राजनीतिक हो। ये जो सरकार बनी है, इसको सलामत रखने का काम भी महाराष्ट्र ने उनको 17 सांसद देके किया है। अब महाराष्ट्र को हमें भूल जाओ, हमारी तरफ मत देखो, लेकिन उन 17 सांसदों को देख के तो महाराष्ट्र के लिए कुछ तो देना चाहिए था। अभी ये दिख रहे हैं, कुछ सांसद मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख के पिक्चर का एक गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो। मैं जानता हूं इन्हें डर है कि वापस निर्वाचन क्षेत्र में जाके क्या कहेंगे, ये दुख उनको सता रहा है। खैर, इनकी मजबूरियां मैं समझता हूं सर। बैसाखियों पे बनी हुई सरकार से और लोग क्या अपेक्षा करेंगे। मुझे डर है कि ये बैसाखियों पे मजबूरी चलने वाली सरकार अपना देश न डुबा दे। सर, राज्यों की बात छोड़ते हैं, सामान्य लोगों की अपेक्षाओं पे क्या क्या किया ये मैं पूछता हूं। MSP को लीगलाइज करने की बात की, ये इन्होंने नहीं की। लोगों का कर्जा, किसान कर्जे से मर रहे हैं, कर्जा माफ करने की मांग की, वो दखलंदाज कर दी। महंगाई सीमित रखने के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सर, EPS में 7,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात हुई, वो इन्होंने नजरअंदाज कर दी। भूमिहीन किसानों को भी सम्मान योजना में, PM सम्मान योजना में समाविष्ट करने की बात की, वो भी उन्होंने ठुकरा दी। सर, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, उस पर लगने वाला GST भी इन्होंने माफ नहीं किया। मनरेगा में 400 रुपए तक मिनिमम वेज बढ़ा दो, यह मांग की थी, वो भी उन्होंने नहीं दी। चलिए, नहीं दिया तो नहीं दिया, जो दिया उस पर मैं सर एक मिनट बात करूंगा। फूड सब्सिडी, दे हैव डिसाइडेड टू अगेन कंटिन्यू विद द 80 करोड़ फूड सब्सिडी। सर, इज अ वेरी आयरोनिक इश्यू
because the entire BJP's plan, election manifesto, going around telling people was ki if you don't vote us back to power, aapki food subsidy khatam ho jayegi. सर फूड सब्सिडी की बात करते हैं और खुद इन्होंने इनके बजट में फूड सब्सिडी पे देने वाला प्रोविजन कम कर दिया है. सर ये किसानों की वेलफेयर की बात करते हैं, 13.5% फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए होने वाला प्रोविजन इन्होंने कम किया है. सर ये इंटर्नशिप की बात करते हैं, 500 फर्म मिलकर 20,000 लोग हायर करेंगे बात करते हैं, मुझे ये मुमकिन नहीं लगता. सर ये 3 करोड़ घर बनाने की बातें करते हैं, मैंने पूरा बजट छान मारा, पिछले बजट से इस बजट में सिर्फ 5% ज्यादा प्रोविजन किया है, ये किसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. सर ये छोड़ के बजट में 70,000 पिछले वोटर अकाउंट में और 60,000 इस वोटर अकाउंट में उन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए दिए हैं. कौन सी न्यू स्कीम्स हैं, इससे क्या होने वाला है, क्यों नहीं बताते, हमसे वोट मांग रहे हैं और नहीं बता रहे 60,000 रुपए कहां जाए. सर यू आर इन दिस बजट, इज दिस अ बजट ओनली ऑफ अनाउंसमेंट्स और इज द बजट ओनली फॉर एक्चुअल प्रोविजंस. मैं आपको हमारे संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग सुनाता हूँ, बोला चीज कड़ी बोला साथ बात जेवनिया तृप्त तो कौन झाला. इसका अर्थ यह है कि बातों की कड़ी चावल से किसी का पेट नहीं भरता. सर परसों एक बजट से खुश सांसद मुझे बोले कि विशाल ये तो अभी बस पिक्चर ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. सर ये ट्रेलर और पिक्चर सी बातों से मैं पूरा डर जाता हूँ. परसों बीवी बोली एक ट्रेलर देख लिया पिक्चर का और पिक्चर दिखाने मुझे ले गई. सर दिक्कत यह है कि ट्रेलर देख के पिक्चर तो चले गए, आधे घंटे में बोर करके बकवास पिक्चर भी बाहर आ गई. सर ये दिक्कत इस सरकार से मेरी यही है कि ट्रेलर तो ये बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन इनसे पिक्चर नहीं बनती क्योंकि डायरेक्टर में ही प्रॉब्लम है. इस बार तो ट्रेलर भी बकवास हुआ. सर आई कंक्लूड the simple point and I want to tell them why they have lost in states like Maharashtra and they may go on and talk about how the constitution was brought in and how caste equation was brought in but that is not the reason for them losing majority of the states of India. They have lost because of the article by Indian Express which says that every state where the GDP has dropped the BJP has lost and if they continue with this kind of economic policy I assure you sir I'm concluding. I assure you, sir, आने वाले महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में ये वापस हारेंगे. इसलिए इनको अनुरोध है कि इकोनॉमी पे ध्यान दो वरना आप ज्यादा दिन उस तरफ नहीं रहने वाले. धन्यवाद.